हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेटा का लुक, ये नाइट एडिशन है क्रेटा का। तो साइड से भी देख सकते हैं, एकदम देखने में ही ऐसी लग रही है जैसे नाइट एडिशन। अगर इसको ब्लैक में देखते हैं ना तो और भी ख़तरनाक लगती है। इसमें ब्लैक ही टायर देखने को मिलते हैं, ब्लैक ही रोप रेल्स। तो हम इसको शुरुआत से देखते हैं, आगे से देखें तो यहाँ पर क्रेटा की LED हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर सेटअप है। ये यहाँ पे S प्लस वेरिएंट है जो कि मिड वेरिएंट आता है और उसमें नाइट एडिशन है। सामने इसमें अगर ग्रिल को देखते हैं तो ग्रिल में हुंडई के लोगों के साथ यहाँ पे ये और ये कुछ बटन्स भी दे रखे, देख सकते हैं बटन दबे भी रहे हैं यहाँ पे। सामने से बिल्कुल ब्लैक की रूप है। इस साइड से भी देखे, फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर टायर जो कि बिल्कुल ब्लैक में है, 205/65R16। इसके अलावा यहाँ पे आपको ORVM पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं और इसमें ही आपको 10 इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं और नीचे भी फुल ब्लैक में थोड़ा ये रब ब्लैक है और ये यहाँ पे पियानो ब्लैक है। ये यहाँ पे A पिलर से C पिलर तक बिल्कुल ब्लैक दे रखा है, बीच में वाइट, ऊपर रूफ रेल्स भी यहाँ पे ब्लैक में है, ऊपर आपको सनरूफ जो कि पेनोरामिक है देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो एंटीना है वो भी शार्पिन एंटीना देखने को मिल जाता है और ब्लैक फिनिश के साथ जो कि काफ़ी एकदम लुक को बढ़िया कर रहा है कार की को। साइड से बात करिए तो यहाँ पे भी कुछ ब्लैक टाइप दिया हुआ है नाइट एडिशन में और ये यहाँ पे कुछ ऐसे टेल लैम्प्स है जो कि LED में ही है। पीछे से आप देख सकते हैं क्या कार क्या लग रही है। यहाँ पे भी थोड़ी ब्लैकिश लग रही है और नीचे यहाँ पे पियानो ब्लैक बम्पर, बीच में यहाँ पे नॉर्मल बम्पर है उस और चारों तरफ पियानो ब्लैक। चार पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, ये रिवर्स की लाइट और टेल लाइट्स ऊपर है ही, वाइपर, डीप फॉगर और स्पॉइलर जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं ड्राइवर साइड के डोर को देखिए तो डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स, डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में, यहाँ पे कुछ रखने के लिए या पकड़ने के लिए, यहाँ पे स्पीकर और यहाँ पे बोतल रखने की जगह। अंदर से बात करें तो यहाँ पे ट्विटर्स, इसको थोड़ी पीछे करते हैं, ये हाइट एडजस्टेबल भी है और एकदम फिनिश देख सकते हैं। अंदर आने के बाद बताऊँगा आपको तो क्या फील दे रही है। यहाँ पे रियर कर्टेन भी आते हैं जो पीछे चल के देखेंगे हम। लुक देखो एक बार यार कार की। पुश स्टार्ट बटन आता है, इसमें चाबी यहाँ पे रखी, बटन दबाया और इसका स्टीयरिंग अनलॉक हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और यहाँ पे वाइपर्स जो कि ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पे क्लस्टरमीटर, यहाँ पे AC वेंट्स जिसमें भी की रेड इंसर्ट दी हुई है, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट दी हुई है, यहाँ पे भी रेड इंसर्ट दी हुई है, यहाँ पे सिल्वर वाली नहीं है। ये टच स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है जिसमें कि शायद यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आएगा। ये देख सकते हैं वाईफाई का ऑप्शन। ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स, यहाँ पे AC के कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे देख सकते कितनी जगह है, यहाँ पे मेरा हाथ जा रहा है एकदम कम्प्लीट। यहाँ पे गियर लीवर जो कि 6 गियर है और एक रिवर्स के लिए, यहाँ पे बटन दबा के रिवर्स वाला सिस्टम। गियर लीवर भी एकदम प्रीमियम लग रहा है क्योंकि ये कार ही प्रीमियम है और कितनी कॉस्ट तक जाती है वो आपको भी पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे डाल दूँगा टैक्स भी। यहाँ पे ऊपर वैनिटी मिरर जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल वाला है। यहाँ पर टिकट होल्डर देखने मिल जाता है और ये काफ़ी बढ़िया है और थोड़ा बड़ा भी है देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स LED में है जो कि बढ़िया है और आँखों में भी नहीं जाएगी, एकदम बढ़िया है। इसको आप ऐसे भी एक साथ जला सकते हैं। यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ नहीं है लेकिन ये बंद होते हैं। आओ थंबनेल ले लिया। पीछे से एकदम स्पेस वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, AC वेंट्स और ये सनरूफ जो कि एकदम क्या प्रीमियम कार लग रही है, एकदम सनरूम। ये थोड़ा आगे वाला जो ग्लास है वो थोड़ा ब्लैक है और पीछे वाला ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे कर्टेन वगैरह, ये बंद हो रही है अभी सनरूफ।
थंबनेल की फोटो ले लियो कि पहले अभी क्या है ना ये जा रही है तो जाते जाते थोड़ी जल्दीबाजी है इस कारण पेट्रोल दे दीजिए पेट्रोल ये पेट्रोल में है 1.5 गाइस फिर मिलेंगे तो मिलेंगे जल्दी यहाँ पे पार्सल ट्री एक मिनट बूट खोल के दिखा दूर एक फोटो ले लो बस यहाँ पे बूट को खोल के देख लेते हैं यहाँ पे अरे पातन सिंह ले लेंगे यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है थोड़ी जल्दीबाजी है इसलिए चलो आगे से एक बार फोटो ले लेते हैं